भाई रेस 3 लग रही है रेस 4 आ गई, रेस 3 तो आ गई ना, रेस 4। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और मैं मुनीश। तो दोस्तों, आज की जो रिक्वेस्ट है वो है कमल रामगढ़िया जी की, और ये है जोगी सॉन्ग जो कि गुरदास मान जी ने गाया है। तो हमारे जो भी लास्ट वीडियोस हैं उनका आप लिंक यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो का रिएक्शन आज देखते हैं हम, कैसा है ये वीडियो। शुरू करें फिर। जय बाबा गुरदास मान जी। आ गए अपने डफली, डफली के साथ। डफली उठा ली भाई। ये बड़े पहले की मतलब याद दिलाती है, जो दिल का मामला और जुत्ती जुत्ती लिम्बोर्गिनी Gear change, speed increase. Over. Left hand driver. ये कहाँ पहुँच गए? भाई रेस 3 लग रही है रेस 4 आ गई, रेस 3 तो आ गई ना, रेस 4। ये आई रेस 4 स्टार्ट हो गई यार। ये तालियां भी बजेंगी तालियां बज रही थी, ये डफली बज रही थी। वो अभी भी चली हुई चल रही है। Yeah.
अभी चल रही है। ये ले लद्दाख पहुंच गई। ये ले का ही है ना। ले का ही है। तो ये था जोगी सॉन्ग गुरदास मान जी का। बहुत ही बढ़िया गाना था। मतलब जो इसमें दिखाया है, मतलब जो जोगी होते हैं वो जोगी होते हैं, उनको आप जो भी मॉडर्न कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे रिझा नहीं सकते उनको। उनका बेसिकली क्या है कि वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने उसके लिए, और सिर्फ भगवान के लिए करते हैं जो भी चीज़ें करते हैं। और उनको ये होता है, बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, बस उनको ये होता है कि हमें क्या करना है, बस उसी चीज़ के लिए वो बस भगवान के लिए लगे होते हैं। इस गाने में मतलब बहुत पिक्चराइजेशन अच्छी थी। शुरू में बहुत लंबा सीक्वेंस था गाड़ी वाला, तो उस टाइम लग रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कुछ वैसे कुछ और वीडियो ही तो नहीं चल गया। तो बस ये कि उम्मीद थी कि गुरदास मान जी थे गाड़ी में, तो वो उम्मीद थी कि गाना चलेगा। और उसके बाद जब वो गाना ख़त्म हुआ, उसके बाद भी वो एक जो सेंड वाला सीक्वेंस था वो शायद सऊदी अरेबिया या यूएई का था कहीं, यूएई का। और उसके बाद एकदम से वो शिफ्ट हुआ लेह लद्दाख वाली लोकेशन पे, तो वहाँ पे और बारिश का जो शॉट बनाया है जिसने भी मतलब बहुत अच्छा लिया, बहुत ही बढ़िया। और एक सीन वो बहुत अच्छा था कि जब वो ढफली सरकती जा रही थी कि ऐसे मोमेंट आया कि लो अब एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहा था कि जहां से कुछ और नहीं आ रहा है। तो और जो पुराना गाना जो एंड में छल्ला का जो फर्स्ट टू लाइंस जो उन्होंने बनाई है, वो तो फेमस लाइंस है। लास्ट वाला बहुत अच्छा था, जाओ नहीं कोई मोड़ जाओ, तो अच्छा गाना था ये। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गाना किसी ने भी सुना नहीं है, और देखने से लग रहा था कि शायद कहीं रिकॉर्ड। ये हमें कमल भाई ने लिंक भेजा था, तो उस लिंक के थ्रू लिंक के थ्रू हम देख पाए। इसका ऑफिशियल सॉन्ग
मुझे पता नहीं, हमें मिला नहीं था कि मिला भी नहीं पे, सर्च करने की कोशिश की थी, इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की, ऐसे ही दो तीन बार तो दो चार वीडियो देखे तो उन्होंने जो लिंक भेजा था उसी को मैंने चलाया है, तो वही आपको दिखे दिख रहा होगा जो दिखेगा। बीच में थोड़ा हमें दिखा कि लोग जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल कहीं थिएटर में था या कहीं पे स्क्रीनिंग थिएटर में ही है या स्क्रीनिंग हो रही थी, थिएटर का कहीं कहीं सीन है। लेकिन गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब, और सोलो था इसके अंदर सिर्फ गुरदास मान जी और गुरदास मान जी ही थे, और उनकी डफली थी और उनकी जो आवाज है वो तो वैसे ही हम उसके फैन है पहले से ही, वर्ड्स तो है ही, और जो उनके लिरिक्स होते हैं वो तो लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा लगा। और गुरदास मान जी मतलब उनके एक्सप्रेशंस आंखों के हाव भाव चेहरे के जब वो मतलब दिखाते हैं, जब आंखों वीडियो ऐसे, में मतलब वीडियो में भी ऐसे देखते हैं जैसे अंदर हमारी आंखों के अंदर घुस के देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब एक इंटेंस, वो एक लास्ट वाला जो सीन था जब वो बारिश हो रही होती है तब, और फिर जब वो डफली सी नीचे रख के जब फिर रखते हैं उसके ऊपर, वो काफी उनका तो सच में लगता है कि वो जब डफली बचाएंगे तो बारिश हो ही जाएगी, तड़का हो ही सकती है, वो चाहेंगे तो बारिश भी हो जाएगी, हो जाएगी। तो ऐसा लगता है। और गुरदास मान जी पंजाब में जितने भी सिंगर्स हैं मेरा ख्याल है सभी के आइडल हैं वो, और हमने उन्हें मैंने भी उनके वो वीडियोस देखे हैं। मैं पक्का इस आप सबको ये बता रहा हूँ कि इस आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे, मैं कोशिश करेंगे हम सभी कि दूरदर्शन पे जो उनकी पुराने गाने थे दूरदर्शन में जो स्टार्टिंग में वो सिर्फ हारमोनियम और सिर्फ डफली वगैरह जो रियल थे बिल्कुल, मतलब कोई ये नहीं है उस पे कोई कट है, वो रियल था वो उन पे हम कोशिश करेंगे कि उन पे वीडियोस रिएक्शंस कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम साथ में बैठ के हम तीन और आप लोग जो जितने भी आप लोग मोबाइल पे डिवाइस पे देख रहे होंगे तो हम साथ में बैठ के वो सारे वीडियोस देखें। तो आज का वीडियो का ये था हमारा रिएक्शन, और बहुत ही अच्छा गाना था, कमल भाई ने भेजा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी हमें लिंक भेजें ऐसे ऐसे गानों के जो कि हमने नहीं देखे हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स ने नहीं देखे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिंक ज़रूर भेजें उस वीडियोज़ का, और हम उस पर ज़रूर रिएक्शन वीडियोज़ बनाएंगे। हमारा जो रिएक्शन वीडियोज़ हैं थोड़ा लेट हो जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तीनों का ये अलग अलग बिजी शेड्यूल था तो थोड़ा लेट हो जा रहा है, पर हम जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसका रिएक्शन ज़रूर बनाएंगे, चाहे वो थोड़ा डिले हो जाए उसमें, थोड़ा सा डिले होगा लेकिन मोस्टली हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। तो अभी हम आगे ये कोशिश करेंगे क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आती है तो एक दो हफ्ते निकल जाते हैं, तो हमें भी ठीक नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर रुकें, तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसका वीडियो बना के दें। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करोगे तो हमें पता चलता है कि कोई इस वीडियो को एंजॉय कर रहा है, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना ज़्यादा पता चलता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और इसके अलावा हम तीनों का अलग अलग शेड्यूल है अभी, क्योंकि कमरे में वीडियो बनाने के लिए अभी सेटअप हमारा ऐसे ही है, तो अभी स्वेटी भी बहुत होता है हमारे वीडियोस में, बहुत स्वेटी होते हैं, बहुत पसीना निकलता है। कुछ लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि भाई पसीना क्यों निकलता है इतना, तो पसीना निकलता है निकलेगा, इम्यूनिटी फैन नहीं चला सकते और थोड़ा नहीं चला सकते, कुछ फैन की नॉइस आएगी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, ना आपको हमारी वॉइस अच्छे से आ पाएगी ना सॉन्ग की वॉइस अच्छे से आ पाएगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है तो फिर थोड़े दिन बाद ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, मौसम भी चेंज हो जाएगा तो फिर तो अच्छे से बनेंगे वीडियो। चलो ओके 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 थैंक यू बाय बाय बाय।